हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम करने वाले हैं क्ले पॉट पेंटिंग, कलश पेंटिंग भी इसे आप बोल सकते हैं या मटका पेंटिंग, जो भी आप कहना चाहें। सो ये एक बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी है। एंड सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए है। तो एक अगेन पॉट हमें चाहिए है, क्ले पॉट, उसके ऊपर जेसो का एक कोट हम करेंगे। देन जो पेंट होगा उसमें चॉइस ऑफ कलर आपका होगा, आपकी क्या थीम है अकॉर्डिंगली। थिनर हमें चाहिए है, कुछ ब्रशेस, व्हाइट पेंसिल और इस तरीके का एक खाली बॉक्स चाहिए, डब्बा सा चाहिए बेसिकली ब्रशेस को क्लीन करने के लिए। सो ये है वो मटका जो मैंने यूज किया है। इस पे जेसो का कोट अप्लाई कर लिया, सूखने दिया, उसके बाद ऑयल पेंट अप्लाई कर दिया है। ना ऑयल पेंट को सूखने में टाइम लगेगा, इट्स नॉट अ डे प्रोसेस, इसमें ये टाइम लेता है एक्चुअली। नाउ जो पेंट मैं यूज कर रही हूँ हाई ग्लॉस एनेमल पेंट है, तो काफी शाइनी होता है। इसके बाद जो डिजाइन मैंने सोचा उसको मैं डायरेक्टली ब्रश से और ऑयल पेंट, व्हाइट ऑयल पेंट में यहाँ पे यूज कर रही हूँ, वो कर रही हूँ। नाउ जस्ट फॉर योर आइडिया एक गाइडेंस मिल जाता है। तो व्हाइट पेंसिल से पहले उसे ड्रॉ कर लेंगे एंड उसके ऊपर फिर हमारा जो ऑयल पेंट है वो करेंगे, सो दैट हम थोड़ा मिसगाइड नहीं होंगे और एक डायरेक्शन हमें सही मिलती रहेगी। नाउ ये कम्प्लीट हो गया। इसके बाद मैंने स्टैंड था मेरे पास, तो मैंने सोचा उसे भी पेंट कर लेते हैं, उसे भी थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो मैं यहाँ पर सिंपली रेड ऑयल पेंट से इसे पेंट कर रही हूँ। सो इसमें कुछ डिज़ाइन ऑलरेडी आप अभी देख रहे हैं, राइट, वो कुछ स्टैंडिंग लाइंस भी दी हुई हैं। सो पहले मैंने सोचा उसी को डायरेक्टली फॉलो करेंगे, कुछ बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने स्टार्ट भी किया, देन लेटर आई थॉट कि मेरी मटकी जो है, पॉट जो है, वो तो ऑलरेडी काफ़ी उसमें डिज़ाइन मैंने किया हुआ है वाइट, तो बहुत ज़्यादा हॉच पॉच हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसे छोड़ दिया। नाउ दिस इज़ द फाइनल लुक, दिस इज़ हाउ द मटकी लुक लाइक। एंड मैंने नवरात्रि में इसे मंदिर में भी रखा है। नाउ दिस इज़ द लुक। सो ट्राई ज़रूर करना, कॉमेंट्स में बताना कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।